गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? फैंटास्टिक, ऑलराइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग पोयम। द नेम ऑफ द पोयम इज बर्ड्स टॉक। इस पोयम का नाम क्या है? बर्ड्स टॉक, मतलब कि दो चिड़िया हैं इसमें, ठीक है, दो चिड़िया हैं और दोनों आपस में बात करते हैं। तो वो क्या बात करते हैं? ह्यूमन के बारे में, मतलब कि आदमी के बारे में क्या बात करते हैं, वो इस पोयम में जानेंगे। डू यू थिंक बर्ड्स फाइंड पीपल फनी? क्या आपको लगता है जब चिड़िए, जो भी चिड़िए होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, जब वो आदमी को देखते हैं, जब वो हमें देखते हैं, तो क्या हमें कुछ फनी सा नज़र आता है क्या? लेट्स लिसन टू व्हाट द रॉबिन एंड द जे हैव टू से। इसमें चिड़िया, इसका नाम रॉबिन है, ठीक है, और इसका नाम जे है। तो दोनों आपस में क्या बात करते हैं? दो चिड़िए हैं, एक है रॉबिन और एक है जे। दोनों आपस में क्या बात करते हैं जानते हैं। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। तो रॉबिन बोलता है कि सोचो, और जे भी बोलता है कि सोचो। तो ये दोनों एक गार्डन में बैठे हुए हैं और एक दिन बात कर रहे हैं, एक दिन गार्डन में बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि सोचो। और क्या सोचने की बात कर रहे हैं? थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, करेक्ट, लोग के बारे में सोचो कि किस तरीके से वो बड़े होते हैं और किस तरीके से उनका शरीर का स्ट्रक्चर होता है। दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, यू नो, करेक्ट, उनके पास फेदर भी नहीं होता। फेदर मीन्स क्या होता है? जो शरीर के ऊपर जो लगे होते हैं ना, जो रुए टाइप के होते हैं ना, पंख की तरह होते हैं, जिससे शरीर को पूरा ढका होता है, उसको रोआज बोलते हैं ना, उसको फेदर बोलते हैं। कहते हैं कि अरे देखो, कैसे मतलब मनुष्य है, कैसे आदमी है, जिनके पास तो फेदर ही नहीं है, जिनके पास तो पंख ही नहीं है, कैसे मतलब बहुत अजीब से दिखते हैं। दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स। कह रहा है कि वे तो बीटल्स में नहीं खाते हैं। बीटल्स मीन्स क्या होता है? जो झिंगूर होते हैं ना, जो कीड़े मकौड़े, जो इंसेक्ट्स होते हैं। कह रहे आदमी तो कोई भी ना कीड़े मकौड़े खाते हैं, ना कोई झिंगूर खाते हैं, और उनके पास तो विंग्स भी नहीं है, उनके पास तो पंख भी नहीं है। तो दोनों आपस में बात करते हैं, क्योंकि चिड़िया के पास क्या होता है, चिड़िया जो होते हैं उनके पास पंख होता है, फेदर होता है, और वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। लेकिन जो ह्यूमन होते हैं, वो ना उनके पास पंख होता है, ना फेदर होता है, और ना ही वो किसी इंसेक्ट को खाते हैं। और क्या करते हैं? दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स। आपने चिड़िया को देखा होगा ना, जो लाइन को जो तार, जो लाइट की तार होती है, जो वायर्स पे होते हैं, वायर पे बैठे होते हैं। तो और आदमी क्या, आदमी को कभी वायर पे बैठता नहीं है। तो बोलते हैं कि देखो चिड़िया, आदमी को देखो कितने फनी है कि वो किसी भी तार पे बैठते नहीं है, और उनके पास फेदर्स भी नहीं है, पंख भी नहीं है, कितने अजीब हैं आदमी। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे। तो रॉबिन बोलता है सोचो, जे भी बोलता है कि सोचो, मतलब कितना अजीब है कि लोगों के पास पंख नहीं है, ना अजीब। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि चिड़िया क्या है, चिड़िया के पास तो पंख होता है, इंसेक्ट खाते हैं, लेकिन ह्यूमन इसके उल्टा है, ह्यूमन उड़ नहीं सकता है, चिड़िया उड़ सकते हैं। तो वो अपने से कंपेयर करते हैं ह्यूमन को, कि ह्यूमन के पास तो ये नहीं है, और उनको बहुत ही अजीब लगता है, बहुत ही फनी लगता है। कैसा लगा पोएम आपको? अच्छा है ना? इसमें जो भी नए वर्ड्स हैं, जैसे बिटल्स, वायर्स, फनी, और जो भी आपके लिए जो भी इसमें नए वर्ड है, उसका वर्ड मीनिंग लिखिए, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मुझे लिख के फॉरवर्ड कीजिए। ओके बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।